हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, कुछ जानेंगे कि एक्साइड इन्वर्टर के बारे में, जो कि एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप देख रहे हैं, इसमें एक एलईडी डिस्प्ले भी होता है, सॉरी एलसीडी डिस्प्ले है, और इसमें आप वोल्टेज देख सकते हैं 13.7 और 243 वोल्ट मेंस, और बैटरी आप फुल देख रहे हैं, और यूपीएस मोड अभी ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये सोलर हाइब्रिड यूपीएस है दोस्तों, और इसमें आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसका फास्ट मोड चार्जिंग है। इसके साथ हमने ये एक्साइड की जेल मैजिक बैटरी लगाई है, जो 150 AH की है। एक जो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये एक नॉर्मल घर के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जिसमें कि आप दो तीन फैन और दो तीन बल्ब और टीवी भी अपना 4-5 घंटे के लिए आराम से चला सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का नाम है एक्साइड हाइब्रिड 850 VA, आप देख सकते हैं। और ये जो है, इसमें 4 बटन भी दिए गए हैं नीचे, और यहाँ पे आपको जो है बैटरी की वोल्टेज 13.7 है वो भी दिख रही है, और बैटरी फुल भी यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको दिख रही है। नीचे 4 बटन है, एक स्टार्ट का, एक यूपीएस स्टार्ट स्टॉप का, एक जो है अपना फास्ट चार्जिंग का। अब देखते हैं दोस्तों, इसका वायरिंग किस तरह से किया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो रेड और ब्लैक आपको बड़े बटन दिखाई दे रहे हैं, बट जो पिन की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो जो है यहाँ पे सोलर पैनल आपको कनेक्ट करना है। जब भी आप खरीदेंगे या ऐसा वाला इन्वर्टर लीजिए दोस्तों, फिर अपने राइट साइड में देखेंगे, वो जो है ग्रिल दिख रहा है, वो फैन का है, और यहाँ पे जो 3 पिन और एक वायर उसमें से निकलती दिखाई दे रही है, ये वाइट कलर की, वो आउटपुट है। यहाँ से दोस्तों हमको आउटपुट देना है, और नीचे जो थोड़ी बड़ी वायर्स दिखाई दे रहे हैं, एक रेड और ब्लैक, ये देखिए, ये अंदर बैटरी में गई है, उसके बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को ये हम लगाना है इस प्रकार से। फिर यहाँ से आपको कनेक्शन देना है मेंस में, ये देखिए, ये रेड वायर जो है वो आउटपुट है, वो जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए, जो जो फैन वगैरह आपको चलाना है वहाँ पे आपको वो देनी है दोस्तों। तो इन्वर्टर ये जो है, ये देखिए, अभी हमने इस पर लोड दिया हुआ है, मेंस ऑफ करके 2% वो लोड बता रहा है, और 12.9, ये देखिए बैटरी जो है ड्रेन, जो सिंबल इसका चेंज हो गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेंस ऑफ है और यूपीएस ऑन है, इसमें लोड दिखाई दे रहा है, लोड और बैटरी 12.9 की वोल्ट वोल्टेज आपको दिखाई दे, ये देखिए बैटरी ड्रेन का सिंबल यहाँ पे, ये एनिमेशन है ना, ये आ गया है, पहले बैटरी फुल का दिखाई दे रहा था, जैसे ही हमने मेंस ऑन ऑफ कर दिए ये बैटरी, फिर हमने यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, एक फ़ैन इसमें लगा दिया है, पहले एक सिंपल सा एलईडी बल्ब था, फिर यहाँ पे हमने फ़ैन लगा दिया है, एक फ़ैन, जो इसके बाद ये वोल्टेज कंजम्पशन सिर्फ 7% दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, यूपीएस ऑन मोड है। जब भी इसमें आप सोलर पैनल लगाएंगे, ये सन सिंबल है ना, वो स्माइलिंग सन में बदल जाएगा, ये सैड सन है अभी, ये स्माइलिंग सन में बदल जाएगा। और जब भी आप सोलर पैनल लगाएंगे, नीचे का ये हाइब्रिड बटन आपको प्रेस करना है, ताकि वो सोलर से चार्जिंग हो सके। दिन के वक्त दोस्तों, जब भी आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो मेन लाइन आपकी बंद रहेगी, तो ये देखिए हमने यहाँ पे मेंस ऑन कर दिया है, फिर यह चार्जिंग का सिंबल जो है, चार्जिंग आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए मेंस ऑन कर दिया है। जब भी आपके पास पावर नहीं रहेगी और आपने पैनल्स कनेक्ट किए होंगे, तो आपको पैनल के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है चार्जिंग आपका बैटरी का बना रहेगा। एक्साइड जेल मैजिक इसमें बैटरी लगाई है, जो ये बहुत अच्छी बैटरी है दोस्तों, जो कि विदाउट फ्यूम्स है। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि ट्यूबुलर बैटरी होती है, जिसमें आपको पानी की टॉप अप कराना होता है, वो वाली बैटरियाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं दोस्तों। ये जेल मैजिक नाम की जो बैटरी है, इसमें से पूरी बैटरी जो है वो सील होती है, जिसमें कि शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी कम होते हैं, आग लगने के चांसेस, क्योंकि ये जो बैटरी है, इसमें से जो आपके ट्यूबुलर नॉर्मल बैटरी होती है,
या दूसरी टाइप की बैटरी होती है, उसमें से हाइड्रोजन या दूसरी तरह की अलग अलग गैसेस निकलती हैं, जो आप इंडोर में अगर आप बैटरी रखें तो थोड़े आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती है, या कभी उसमें आग भी लग सकती है। लेकिन जो नई एक्साइड की जेल मैजिक बैटरी है, उसमें से आग लगने का कोई खतरा वगैरह नहीं, क्योंकि वो पूरी बैटरी जेल टाइप के सिस्टम से, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें, वो जेल टाइप का होता है, तो उसमें कोई आग वगैरह लगने का खतरा बहुत कम होता है दोस्तों। तो इसके लिए ये बैटरी मैंने प्रीफर की है। और इसमें जो सोलर पैनल का ऑप्शन दिया हुआ है, जो है एक्साइड वाला इन्वर्टर है, उसे मैंने लगाया है, क्योंकि उसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो मेन्स है अपनी वो चली जाएगी, और दिन के टाइम जब भी सूरज की रोशनी होगी, तो उस रोशनी से हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, अगर 2 या 3 दिन भी लाइट चली गई तो आराम से इसका बैकअप आपको बहुत देर तक मिल जाएगा। और ये बैटरी जो है दोस्तों 850 VA और 1500 AH, ये जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है, वो आपको नॉर्मल एक 3-4 लोगों के घर के लिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा वगैरह है तो उसके लिए आपको फ़ैन की वगैरह ज़रूरत होती है गर्मी के दिन में, तो उसके लिए ये बैटरी बहुत अच्छी है दोस्तों। और ये इन्वर्टर भी बहुत अच्छा है। और ये कम्बिनेशन, इसको जो है लगाने का जो प्रोसेस है, उसमें देखिए कुछ डिफ़िकल्ट ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों। जो भी इन्वर्टर है उसको लगाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होता है, जो आपका बटन है जहाँ से आप फ़ैन ऑन करते हैं, या बल्ब CFL जो भी आपको चाहिए इन्वर्टर के ऊपर, उसको आपको पहले इन्वर्टर की पिन आपको मेन लाइन में देनी होती है। पिन लगाने के बाद जो नॉर्मल इन्वर्टर, जैसे आपका UPS वगैरह होता है कंप्यूटर का, उसी तरीके से ये काम करेगा दोस्तों। और उसकी जो आउटपुट की पिन है दोस्तों, वो पिन आपको सिर्फ वो जो आप फैन जहाँ से स्विच करते हैं, लाइट जहाँ से स्विच करते हैं, उस स्विच में जो मेंस की रेड कलर की वायर है उसे निकाल करके इसे लगाना है दोस्तों। और इतना ध्यान में रखें कि आप जो भी आपने मेंस की लाइन लगाई है और इन्वर्टर की आउटपुट की रेड कलर की लाइन वहाँ पे आपने जोड़ दी है, तो वो दोनों एक जगह पे ना रहे, कनेक्टेड ना रहे, अदरवाइज जलने के खतरे रहते हैं दोस्तों। देखिए जो रेड वायर है, जहाँ जहाँ पे इन्वर्टर आपको लगाना है, इन्वर्टर की आउटपुट आपको चाहिए, वहाँ पे आपको मेंस की जो रेड वायर है वो पूरी तरह से निकाल देनी है दोस्तों। मैं आपको फिर से बताता हूँ, और इन्वर्टर की जो रेड वायर है वो वहाँ पे लगा देनी है जहाँ जहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत होती है दोस्तों। और बाकी सिर्फ आपको पॉजिटिव उतनी ही देनी है, क्यों निगेटिव जो है, और जो आपकी अर्थिंग जो है, अर्थिंग की वायर, वो इन्वर्टर की जो आपकी स्विच में जो आपने इन्वर्टर का प्लग लगाया है, वहाँ से इन्वर्टर आपकी निगेटिव और न्यूट्रल ले लेगा। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और मेरा बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत आती है दोस्तों, जब भी ये इन्वर्टर पे हम बहुत देर तक इन्वर्टर पे हमारी सिस्टम चलती है, तो जब चार्जिंग होता है, जब मेन लाइंस ऑन होके जब चार्जिंग बैटरी का होने लगता है, तो इन्वर्टर थोड़ा गर्म होता है, और उस गर्मी को निकालने के लिए इस एक्साइड 850 VA जो इन्वर्टर है उसमें एक फ़ैन दिया गया है, तो उस फ़ैन की आवाज़ दोस्तों उस चार्जिंग के दौरान थोड़ी नॉइज़ उसका आता है दोस्तों। यही उसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है ये एक्साइड का 850 VA हाइब्रिड इन्वर्टर। और जिसके ऊपर मैं 3 फैन लगा सकता हूँ, 3 बल्ब लगा सकता हूँ, और टीवी भी लगा सकता हूँ, और 4 से 5 घंटे का बैकअप भी मुझे मिल सकता है। अगर मेरे पास सोलर पैनल है तो दिन के टाइम पे मेरा वो बैकअप और बढ़ भी सकता है, चाहे दिन भर भी लाइट ना हो तो मुझे बैकअप बहुत आगे तक मिल सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आप जब भी इन्वर्टर खरीदेंगे, प्रीफर करेंगे उसमें सोलर यानी हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदें, उसमें आप 500 से 1000 रुपये आपको ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जब भी आप पैनल लगाना चाहिए, अभी तो मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैं लगाना चाहूँ सोलर पैनल, तो मैं इसके लिए मुझे एक ऑप्शन रहेगा कि मैं जब चाहूँ लगा सकता हूँ, और जिससे मुझे बिजली के यूनिट्स की खपत भी कम हो जाएगी और एनर्जी सेविंग भी मेरा हो जाएगा।
आंखें बंद करके दोस्तों आप इस प्रकार का इन्वर्टर, ये जो है सोलर और हाइब्रिड वाला, खरीद सकते हैं दोस्तों। और आप सोलर पैनल लगा के पूरी तरह से इसमें से मेंस डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको न्यूट्रल और अर्थिंग के वायर अलग से जो आपके वायरिंग के सिस्टम में है उसमें जोड़नी होगी। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके बिजली की जो खपत है, जो आपका मंथली इलेक्ट्रिकल बिल्स है, उसमें भी काफ़ी गिरावट आपको नज़र आएगी दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी कमेंट हैं मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।